तो दी क्यूरियस इंडियन की गाड़ी आज आपको लेके आ गई है 3S कार हड़पसर पुणे। तो आइए मिलते हैं सात भाई से। हेलो सर, कैसे हैं हेलो सर, एकदम मस्त। जी? और सात भाई, सबसे पहले तो वही अपना पुराना सवाल कि लास्ट वीडियो का क्या रिस्पांस रहा, और साथ ही साथ आज के स्टॉक की एक झलक मतलब बताएं कि भाई बता क्या दें है। सर, लास्ट रिस्पांस तो काफ़ी अच्छा था, और स्टॉक हम लोगों ने जो डिमांड वाला रहता है हमेशा, तो वो हिसाब से रखा है। और हम लोग ये वीडियो में ऐसा करेंगे, एक लो बजट गाड़ी लेंगे, एक हाई बजट लेंगे, एक लो बजट एक हाई बजट। क्योंकि कैसा है, जो व्यूअर्स है उसमें मिक्स रहते हैं, मतलब किसी को 2 लाख की गाड़ी लेनी रहती है तो किसी को बड़ी गाड़ी चाहिए, तो एक ये और एक ऐसा कवर करते हैं वीडियो में। और वीडियो में अच्छे अच्छे गाड़ी है अपने पास, हॉट प्रोडक्ट है, क्रेटा है दो पेट्रोल डीजल में, i20 है टॉप मॉडल में, होंडा अमेज है, एक्सेंट है, और टाटा का टियागो है, फिर उसके बाद अपना स्विफ्ट है, लेटेस्ट में है, ओल्ड में भी है, और एक इनोवा क्रिस्टा भी है ऑटो में। तो साथ भाई, बिना किसी देरी के चले फिर आज के स्टॉक की चले तरफ। चले सर, स्टॉक लंबा है जी तो अपने को फटाफट कवर भी करना है। जी सर फिर आज का पहला गाड़ी कवर करते हैं मारुति सुजुकी से ही, और पहला गाड़ी है मारुति सुजुकी ए स्टार ZX है। ZX है, ऑप्शनल गाड़ी है सर, और ये गाड़ी बहुत रेयर आता है, मतलब आप देखेंगे तो आपको VX LX गाड़ी तो बहुत मिल जाएंगे, ZX भी है, बट ये ऑप्शनल में आपको क्या फीचर आएगा एक्स्ट्रा, आपको गाड़ी के अंदर दो एयरबैग है ए स्टार में, और ABS आएगा इसमें, और इसको एक RPM मीटर आता है, आपने रिट्स में देखा होगा जो अलग से ऊपर डैशबोर्ड के आता है, वो RPM मीटर दिया है। और ये गाड़ी सर ड्रीवन है 30,000 किलोमीटर ड्रीवन है गाड़ी, और सिंगल ओनर है गाड़ी, और गाड़ी आप आकर देखो तो कोई इसको पसंद नहीं करेगा, ऐसा हो नहीं सकता। बात है सिर्फ रेट की, अब अगर आप VX वगैरह लेने जाते हैं फर्स्ट ओनर गाड़ी, तो वो भी आपको 180-185 में जाएगी, और इसमें आपको सेफ्टी फीचर्स नहीं आएंगे कुछ भी। अब VX लेके आप उस पर 1 लाख खर्चा करो, एयरबैग ABS नहीं होते, जो सही कंपनी है बात वो है, कंपनी ही रहते हैं, सही बात है। और गाड़ी में म्यूजिक सिस्टम वगैरह सब कुछ है कंपनी का ही है। और इसकी सर आस्किंग है 2,35,000 की, और ये फाइनल करेंगे हम 2,17,000 में दे देंगे गाड़ी, 2,17,000 में ए स्टार ZX आई ऑप्शनल ऑप्शनल पेट्रोल पेट्रोल, और और इस 30,000 चली हुई 30,000 चली हुई सिंगल ओरिजिनल ओनर। सिंगल ओनर, और ये वही इंजन है के सीरीज जो वैगनार सेलेरियो में आता है, सही बात। अगर CNG करना हो तो बहुत अच्छा ऑप्शन है। और साथ में ये मॉडल कब का बताया आपने? ये 2010 है सर, 10 का है 10 का है। जी। इसका सेकंड कार है सर ह्युंडई क्रेटा SX प्लस, और ये है 2016 का गाड़ी है, पेट्रोल वेरिएंट है, और इसमें आता था 1.6 इंजन, और ये SX प्लस वेरिएंट में आपको फीचर्स आते थे, बटन स्टार्ट आता था गाड़ी में, मेन स्क्रीन आता था कंपनी से, प्रोजेक्टर हेडलैम्प हो गए, और बटन स्टार्ट है मतलब उसको कीलेस एंट्री वगैरह जो है गाड़ी में होती थी, और गाड़ी के अंदर एयरबैग्स ABS अलॉय व्हील हो गए, रियर वाइपर हो गया, डिफॉगर हो गया, ये सब कुछ आता है SX प्लस वेरिएंट में। और ये सिंगल ओनर है गाड़ी, और इसका सर कोटेड है 985 पेट्रोल का, और ये हम फाइनल देंगे 925 की, 25 में आपने क्रेटा पेट्रोल SX प्लस दे SX दी, प्लस दी थी, 16 का है, 16 का है गाड़ी और कितनी ड्रीवन है साथ भाई? ये सर, 65,000 ड्रीवन है, 65,000 और जेन्युइन गाड़ी है पूरा, कोई भी आकर देख लो, हिस्ट्री चेक कर लो गाड़ी का, कोई भी गाड़ी का अपने पास, हम लोग पूरा मतलब ये कोशिश कर रहे हैं कि अच्छे से अच्छा गाड़ी दे कस्टमर को। और साथ भाई, क्रेटा आपके पास हमेशा अवेलेबल रहती है एक तो। सर रहती है गाड़ी, और दो तीन क्रेटा थी, आप आने से पहले वो मैं भी बाहर गया था, तो गाड़ी सोल्ड हो गई है वो। अच्छा। तो और ये साथ भाई, जो आपने बताया SX और SX ऑप्शनल के बीच का वेरिएंट है SX हाँ प्लस SX प्लस था, SX में क्या होता है सर, बटन स्टार्ट नहीं आता था गाड़ी में, और इसके अंदर बटन स्टार्ट आता है, और जो टिप वगैरह स्क्रीन वगैरह है वो छोटा आता है SX में, इसमें थोड़ा बड़ा आता है, और जो SX ऑप्शनल है उसमें क्या वो बताऊंगा मैं, अपने पास और एक SX ऑप्शनल भी गाड़ी है वीडियो में डीजल वाली, वो कवर करेंगे तो फीचर बता दूंगा उसके। नेक्स्ट गाड़ी है सर आज की डिज़ायर LX है पेट्रोल, ये है 2008 की गाड़ी है, और गाड़ी ड्रीवन है अराउंड 98,000, और इसमें आपको पावर स्टीयरिंग और AC कंपनी से आता है, और ये गाड़ी में एडिशनल पावर विंडोज़ बिठाया है, अलॉय व्हील फिटेड है, म्यूज़िक सिस्टम फिटेड है, और ये जो गाड़ी है सर सेकेंड ओनर पे है, और इसकी हम लोग आस्किंग है 2,65,000 की, और ये फाइनल देनी है 2,35,000 में, 2,35,000 में डिजायर LXi पेट्रोल पेट्रोल वेरिएंट 2008 का। 8 का।
और ये कितनी चली हुई है साथ में? ये 98,000 चली है सर। 98,000 चली है। और गाड़ी का आप वीडियो में लुक देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि गाड़ी कैसा मेंटेन रखा है। जी। अभी स्विफ्ट भी किधर हो तो लोग यही डिमांड है आसपास, दो दो दस की डिमांड करते हुँ, हुँ, हुँ। और वही रेट में आपको थोड़ा सा पुश करेंगे तो डिजायर आ जाएगा। नेक्स्ट कार है सर टोयोटा इनोवा क्रिस्टा, और ये गाड़ी वीडियो में पहली बार आ रहा है आपने पास। और ये गाड़ी है सर 2.8 है और ये ऑटो में है, जो मैनुअल वाली आती है वो 2.4 आती है, ये 2.8 है गाड़ी। और ये GX वेरिएंट है और ये 2019 है और ये ड्रीवन है सर अराउंड 79,000 ड्रीवन है। और इसमें मोड आते हैं गाड़ी चलाने के लिए, एक इको मोड है और एक पावर मोड आता है, और बाकी तो एयरबैग ABS वगैरह बाय डिफॉल्ट सब कुछ है उसमें, म्यूजिक सिस्टम वगैरह कंपनी का अलाविल सब कुछ है, सिर्फ ऑटो AC नहीं आता है GX में। और ये गाड़ी सर नवा गाड़ी लगभग आता है ये 25,500-26,000 का जाता है अभी, और ये हम लोग इसकी आस्किंग है 1775 17,75,000 रुपया, और ये फाइनल देंगे हम 17,25,000 में। 17,25,000 में इनोवा क्रिस्टा 2019 का। और ये वेरिएंट कौन सा है साथ में? GX है। GX है। GX वेरिएंट है। अच्छा, इसके ऊपर क्या आता है? VX? हाँ, इसके ऊपर आता है VX आता है और एक एक ZX-Z आता है। अच्छा। और इनोवा का तो मज़ा ही अलग है गाड़ी का, इनोवा जैसी गाड़ी नहीं है मैं बोलता वो सेगमेंट में। एक गाड़ी सर लेते लो बजट की, मारुति वैगनर LXi, ये है 2007 नवंबर का। अच्छा। और ये गाड़ी की खास बात ये है, ये 2007 की रह के चली है सिर्फ 46,000। अच्छा। और इसमें LXi में पावर स्टेयरिंग AC कंपनी से आता है और इसकी डिमांड है सर 165 की आस्किंग रेट है, और ये हम फाइनल दे देंगे 1,35,000 में। 1,35,000 में वैगनर LXi 2007 की। ये प्योर पेट्रोल? ये प्योर पेट्रोल है, और मैं बोलता हूँ ये मार्केट से 10-15 हज़ार रुपये मेरे को ऐसा खुद को लग रहा है कि रेट ज़्यादा है, बट उसका रीज़न बताता हूँ, गाड़ी चला बहुत कम है जी। और जिन्होंने मेंटेन किया आप आकर गाड़ी देखो, सही बात है। अभी 1,20-1,25 का रेट है मेरे हिसाब से, बट वो गाड़ी और ये गाड़ी आप आके कंपेयर कर लेना, जो अच्छा लगा वो ले लेने का। सही बात। और रही बात रीपासिंग की, आपको खर्चा है 5,500 विथ एजेंट फीस। अच्छा। और 5 साल आपको एक्सटेंड करके मिलेंगे। और बहुत लोग मतलब बोलते हैं अभी इसको इतना टाइम हो गया है, ये 2007 का गाड़ी है, अभी देखो 14 का वैगनर मैंने बेचा, 14 का गाड़ी मैंने कितने 3,30,000 में कुछ दिया है, और ये 7 का ही करके ऑलमोस्ट आपको 7 साल के अंदर आधे से ज़्यादा पैसे का फ़र्क पड़ रहा है। सही बात है। नेक्स्ट कार है सर पोलो, पोलो 1.2 हाईलाइन, और ये गाड़ी है 2015 का, और ये प्योर पेट्रोल है, 1.2 इंजन है, और पोलो ऐसा गाड़ी है इसमें सबसे ज़्यादा इंडिया की हिस्ट्री में इंजन आए एक गाड़ी के अंदर जी। और ये जो 1.2 इंजन है ये सबसे सक्सेसफुल इंजन है उसका, उसमें वाइब्रेशन वगैरह नहीं आता है गाड़ी के अंदर, उसका एवरेज वगैरह मेंटेनेंस कम है। और ये गाड़ी सर ड्रीवन है अराउंड 70,700 और ऊपर कुछ फिगर है, ड्रीवन है गाड़ी जी। और ये टॉप मॉडल में आपको एयरबैग ABS स्टेयरिंग माउंटेड कंट्रोल हो गए, ऑडियो कंट्रोल ऑटो AC वगैरह आता है। और सर ये गाड़ी का कोटेड है 475। अच्छा। और ये हम फाइनल देंगे 4,55,000 रुपये में। 4,55,000 के अंदर आपने पोलो हाईलाइन 15 का दे दिया। 15 का, और 15 में गाड़ी फेसलिफ्ट आता था। अच्छा। फेसलिफ्ट आता था गाड़ी जी। और सर नेक्स्ट गाड़ी है आज की i20 एस्टा ऑप्शन, और ये जो गाड़ी है वो है 2017 की, और एस्टा ऑप्शन में खास बात ये है कि ये गाड़ी के अंदर 6 एयरबैग आते हैं कंपनी से। अच्छा। 6 एयरबैग आते हैं, और गाड़ी में आपको ABS हो गया, डायमंड कट अलॉय व्हील्स हो गए, प्लस जो इसका टच स्क्रीन म्यूजिक सिस्टम है वो बड़ा है, और जो रिवर डालते हैं वो आपको म्यूजिक सिस्टम के अंदर दिखेगा पीछे का, या फिर जो सिर्फ एस्टा वगैरह आता है उसको ऊपर मिरर में दिखता था, और ये गाड़ी को म्यूजिक सिस्टम में आपको रिवर्स गियर वगैरह का जो भी स्क्रीन पे डिस्प्ले दिखेगा। और ये गाड़ी सर अराउंड ड्रीवन है 52,000, और आप देख लो 15 का भी अगर किसी के पास स्पोर्ट्स गाड़ी हो 14-15 तो वो गाड़ी लगभग 5.5 के आसपास डिमांड रहती है डीलर की, फाइनल कोट रहता है। और वो गाड़ी और ये गाड़ी में न्यू प्राइस में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस था, और ये गाड़ी मेरे हिसाब से वो टाइम पे लगभग 10 लाख के आसपास जाता था, अंदर था, 10 लाख के अंदर था, अभी तो बहुत ज़्यादा प्राइस हो गया i20 का। अच्छा। और ये गाड़ी फिर हम आस्किंग है इसका 7 लाख रुपए का। अच्छा।
और हम लोग ये फाइनल देंगे 6,60,000 रुपये में। 6,60,000 में आपने i20 एस का ऑप्शनल दे दी। और ये पेट्रोल है? प्योर पेट्रोल है। नेक्स्ट गाड़ी है सर आज की स्विफ्ट डिजायर वीडिया है। ये गाड़ी है 2010 का सिंगल ओनर डीजल वेरिएंट। अच्छा। और ये गाड़ी चला है सर 1,14,000 ड्रिवेन है। और वीडिया के अंदर आपको पावर स्टीयरिंग, पावर विंडोज, एसी, सेंट्रल लॉक वगैरह आता था। और ये गाड़ी मतलब वो टाइम का सबसे सक्सेसफुल सेडान में सेडान था जी, सही बात। और इधर तो आज भी सबसे ज़्यादा बिकता है उसके सेगमेंट में आज भी, बट अभी डीजल नहीं आता, पेट्रोल आता है नवा जी। और ये गाड़ी की सर ग्रामीण भाग में हमेशा से डिमांड है पहले से, सही बात। और ये गाड़ी एवरेज भी अगर उसको प्रॉपर चलाएंगे तो 22 का एवरेज देता है गाड़ी। और इसका सर कोटेड प्राइस है 3.5 का, ये हम फाइनल देना है हमें 3,20,000 में। 3,20,000 में स्विफ्ट डिजायर वीडी आए, वो भी डीजल 2010। और गाड़ी एकदम मिंट कंडीशन में। ये कितनी चली हुई है सर? ये 1,14,000 चली है। 1,14,000 सिंगल ओनर जी। तो अगली गाड़ी है सर अल्टो VXi और ये है 2016 पेट्रोल वेरिएंट है। गाड़ी ड्रिवन है 34,000। अच्छा। और ये गाड़ी पावर स्टीयरिंग, पावर विंडोज, एसी, सेंट्रल लॉक और कंपनी म्यूजिक सिस्टम के साथ आती थी। और ये गाड़ी सर इसकी डिमांड है 290 की। ये गाड़ी फाइनल दे देंगे हम 272 में, 272 में 16 का अल्टो VXi। और ये फेसलिफ्ट वाला गाड़ी है, आगे से आप देखना 13 में गाड़ी अलग आता था, 16 में लुक अलग आया था गाड़ी का। ये प्योर पेट्रोल है? प्योर पेट्रोल है। और कितनी चली हुई है? ये सर चली हुई है गाड़ी 34,000। और ये गाड़ी कैसा है सर, कस्टमर को अपने यूट्यूब का ही कस्टमर है, उसको अपन ने i10 Grand दिया था, ये उनका ही गाड़ी है, मेरे पास बेचने के लिए आया है। और नेक्स्ट गाड़ी है सर हुंडई एक्सेंट पेट्रोल और ये है 2014 का गाड़ी है और ये एस ऑप्शन है। इस ऑप्शन में आपको क्या आता था, कंपनी के अलॉय व्हील वगैरह आते थे एक्स्ट्रा, स्टेरिंग पे ऑडियो कंट्रोल बटन्स आते जी। और कंपनी का टेप वगैरह, बाकी सब बेसिक फीचर्स है गाड़ी में। और ये गाड़ी सर चली है सिर्फ 27,000। अच्छा। 27,000 ड्रिवन है और गाड़ी सेकेंड ओनर है। अच्छा। सेकेंड ओनर है बट वो आसपास में ही हो गई है सेकेंड ओनर, विद इन फैमिली बोलते हैं ना। और इसका सर कोटेड है 4,40,000 कोटेड है। 4,40,000 में एक्सेंट। हाँ। और लेस ड्रिवन है सर? लेस ड्रिवन सर कोटेड है 4,40। अच्छा, ये तो ये हाँ। कोटेड है जी, ये मैजिक फिगर में हम 4,00,000 रुपये में दे देंगे गाड़ी। 4,00,000 में एक्सेंट। हाँ, वो भी एस ऑप्शनल, लो ड्रिवन, लो लेस ड्रिवन, सही बात। कितनी चली हुई साथ में? सर ये 27,000 चली हुई। 27,000 चली हुई। बस सेकेंड ओनर उसका ड्रॉबैक है फैमिली ट्रांसफर है जी। और नेक्स्ट कार है सर टाटा सफारी 2.2 डिकोर और ये है 2012 का गाड़ी है। और इसमें पावर स्टीयरिंग, पावर विंडोज, सेंट्रल लॉक और जो एक सेंट्रल एसी आता था, ये वो वाला वेरिएंट है। अच्छा। और ये भी गाड़ी सिंगल ओनर और VIP नंबर के साथ है। अच्छा। और गाड़ी का बॉडी लाइन लेवल आप देखेंगे तो जो सफारी के चाहने वाले लोग अलग है। मेरे को भी एक टाइम जब ये लाइन में आया था, मेरे को ऐसा लगता था कि ये गाड़ी बहुत अच्छा है बाहर से देख के, और अंदर से देखे तो अपने को समझ नहीं आता था गाड़ी, बट ये गाड़ी जो जैसा मेंटेन करता है ये गाड़ी वो वैसा चलेगा जी। ये गाड़ी अगर ठीक से मेंटेन है तो इसके जैसा गाड़ी नहीं है जी। 12 का 7-सीटर गाड़ी आपको सिर्फ से भी कम दाम में आएगा डीजल ये। और ये सर इसका कोटेड तो बहुत ज़्यादा है, 380 है, हम ये फाइनल फिगर में देंगे 3,20,000 में। 3,20,000 में सफारी डेकोर 2012 का, वो भी VIP नंबर के साथ। अच्छा। और नेक्स्ट गाड़ी है सर फियाट पुंटो। अच्छा। और ये एक्टिव वेरिएंट है, 2013 का पेट्रोल गाड़ी है। और ये गाड़ी में पावर स्टीयरिंग, पावर विंडोज, सेंट्रल लॉक, एसी, म्यूजिक सिस्टम वगैरह आएगा। अच्छा। और ये 83,000 चला हुआ है गाड़ी। अगर किसको हैचबैक लेना है थोड़ा बड़ा वाला और बजट कम हो तो ये बहुत अच्छा ऑप्शन है। अच्छा। और इसको CNG भी सक्सेसफुल है फियाट की गाड़ी को। अच्छा। और इसका आस्किंग है सर 2,20,000 की आस्किंग है और ये हम गाड़ी दे देंगे 2,00,000 रुपये में। 2,00,000 रुपये में फियाट पुंटो प्योर पेट्रोल, प्योर पेट्रोल सिंगल ओनर। और कितनी चली हुई है सर? ये सर कुछ 83,000 चली है गाड़ी। 83,000 चली है। और कब का मॉडल बताया? ये 2013 का है। 13 का है। नेक्स्ट कार है अल्टो K10 VXi, ये भी K सीरीज वाला इंजन का 1000 CC का गाड़ी है और ये 2011 का पेट्रोल है
इसका चला है सर गाड़ी 23,000 चला है ये भी सिर्फ। इसको पावर स्टीयरिंग, पावर विंडो, एसी और सेंट्रल लॉक आता था। और सर इसकी डिमांड है 2 BHK की। K10 को मार्केट अच्छा है आल्टो से। और सर ये फाइनल दे देंगे हम लोग 1,85,000 185 में ऑल्टो के के टेन टेन और ये कब का मॉडल है साथ में? ये 2011 का है सर, 11 का सिंगल ओनर। सिंगल सिंगल ओनर। और नेक्स्ट गाड़ी है सर वो, ये भी गाड़ी पहली बार है ये अपने पास, अच्छा और ये बहुत अच्छी गाड़ी है। पर्सनली जी, मैं कुछ 6 फुट का हूँ, बट ये गाड़ी में मैं बैठ के चला सकता आराम से। अच्छा बट इसका नाम खराब किया है लोगों ने कि सस्ता गाड़ी करके सर लगता है। बट ट्रैफिक वगैरह में घूमने के लिए बहुत अच्छी गाड़ी, और 80-100 पे गाड़ी आराम से चलती है। और ये गाड़ी है टाटा नैनो ट्विस्ट XT। और किसी को नैनो बोले तो ऐसा लगता है ये 40-50 हज़ार की गाड़ी है, बट ये गलत है। नैनो में भी बहुत सारे वेरिएंट आते थे, और नैनो लगभग 3.5 लाख का भी नैनो आया है टॉप मॉडल। और ये गाड़ी है नैनो ट्विस्ट। इसमें चेंजेस ये है कि ये गाड़ी में पावर स्टेयरिंग आता था, तो सादी नैनो में पहले जो आती थी उसमें पावर स्टेयरिंग नहीं आता था 11 में। ये 2015 का गाड़ी है, इसमें पावर स्टेयरिंग, AC, सेंट्रल लॉक और फॉग लैम्प आते थे, और पावर विंडो फ्रंट वो आते हैं इसमें। और ये इसका कोटेड है सर 1,48,000, और ये फाइनल देना है 1,35,000 में। 1,35 में आपने नैनो ट्विस्ट दे दी, नैनो ट्विस्ट इसमें पावर स्टीयरिंग एसी सारे फीचर्स। सर ये XT वेरिएंट मतलब ये मैनुअल का टॉप एंड आता था वो टाइम पे। और ये सर था पार्ट 1 का स्टॉक, अभी आएगा पार्ट 2। इसमें भी काफ़ी अच्छे गाड़ी है, डीजल पेट्रोल हाई बजट लो बजट सब मिक्स है। इसको भी ये इसमें से गाड़ी पसंद आए और इंटरेस्टेड है तो टाइम ना लगे, जल्द से जल्द आए और आकर गाड़ी देखे तो आपको समझना आएगा मतलब गाड़ी गाड़ी में डिफरेंस क्या रहता है। मतलब अभी मैं बोलता हूँ ये जो यूट्यूब वाली चीज़ें हमारे हड़पसर मार्केट में तो हम लोगों ने पहले स्टार्ट की थी। अभी इतने ब्लॉगर हो गए, हर जगह जगह वीडियो बन रहा है, बट यासिर भाई को मैं एक ये अप्रिशिएट करता हूँ कि वो जो अच्छे डीलर है उसके पास ही जाते हैं। मतलब इनका सर का ऐसा नहीं है कि कोई भी बुलाए और चले जाओ, इनका कैसा ये सब देख दिखा कर जिधर अच्छा चीज़ है कस्टमर जिधर फंसे ना वो उधर ही जाते हैं। और इनके जितने डीलर कवर करते हैं वो सब जेन्युइन है। और जिसको भी ये स्टॉक पसंद है वो आए गाड़ी देखे और डील करे। तो ये देखिए आपने वीडियो हमारे चैनल द क्यूरियस इंडियन पे, पार्ट 1 का स्टॉक 3S कार हड़पसर पुणे से, और सेम टाइम नेक्स्ट डे आपको जो है पार्ट 2 का वीडियो मिलेगा। और उम्मीद है आपको पार्ट 1 के अंदर कोई ना कोई गाड़ी ज़रूर पसंद आई होगी, और आशा करते हैं आप जल्दी से जल्दी विज़िट करेंगे 3S कार्स। और इसी तरीके से हमारे चैनल पे प्यार बनाए रखिए, इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, कमेंट्स के अंदर कोई भी क्वेरी हो उसको ज़रूर बताएं, और हमारे चैनल द क्यूरियस इंडियन को सब्सक्राइब ज़रूर करें। शुक्रिया।